सोलन में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतक राकेश कुमार की उम्र 48 वर्ष है और बेगाम डवाली कोटला का रहने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार राकेश अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ किसी कार्यक्रम में गया हुआ था, लेकिन काफी समय तक जब वह कार्यक्रम से वापस नहीं पहुंचा तो खबर मिली कि बेकर के रास्ते में गिरा पड़ा है। उसे तुरंत अस्पताल लाया गया जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया। सोलन में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक राकेश कुमार की उम्र 48 साल है और वह गांव डवाली कोटला का रहने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार राकेश अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ कार्यक्रम में गया हुआ था, लेकिन काफी समय तक वह जब कार्यक्रम से वापिस नहीं पहुंचा तो खबर मिली कि वह घर के रास्ते में गिरा पड़ा हुआ है। उसे तुरंत अस्पताल लाया गया जहाँ पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भतीजे सुरेंद्र कुमार ने बताया कि जब उन्हें पता चला कि उनके चाचा बेहोशी की हालत में गिरे पड़े हैं तो तुरंत अस्पताल लाया गया जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि वह किस तरह गिरे और किस तरह उनकी मौत हुई है इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल शव का सोलन अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया है। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है और गाँव डिवारली का रहने वाला हूँ। मेरे चाचा जी की अभी मतलब गिर के डेथ हुई हुई पिछले कल शाम को लमसार गांव में, जो कि वहां पार्टी के तौर पे गए थे नामकरण के कहीं यानी फंक्शन में गए थे। अब वहां से आती बारह हो गया, कैसे हो गया, गिर गया कैसे गिर गया कोई पता नहीं है जी, पर गिरे और डेथ हो गई उनकी। हाँ जी, हॉस्पिटल तो सोलन ही ले गया था ना जी उनको। अब हॉस्पिटल तो सोलन ले गया था, यहाँ तो सिर्फ मृत की घोषित करा उनको भाई मृत है ये, और बाकी फिर उसके बाद पोस्टमार्टम वगैरह अब हम घर को लेके जा रहे हैं। छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।